Hello everyone, this is our English grammar class. In this class we will study the chapter 8 adjectives degree of comparison. Adjective पढ़ेंगे, इसमें comparison की degree पढ़ेंगे कि किस तरीके से compare करते हैं. तो comparison की 3 degree होती हैं, positive, comparative और superlative. तो यहाँ पे हम comparison की degrees को study करेंगे. First I read these sentences. सबसे पहले कुछ sentence दिए हैं हमें. Ansh is a strong boy. Ansh एक strong boy है. Then Vansh is stronger than Ansh. Vansh जो है वो Ansh से strong है. Rishi is the strongest of all the three. Rishi जो है वो सबसे ज्यादा strong है. तो यहाँ पे 3 degree आ रही है adjective की. ठीक है, जैसे कि पहले क्या बोल रहे हैं कि Ansh जो है वो strong है, मतलब ताकतवर है. ठीक है, फिर वो compare कर रहे हैं कि Vansh जो है वो Ansh से strong है. फिर बोल रहे हैं कि ऋषि जो है वो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट है. ठीक है, तो व्हेन वी से अंश इज अ स्ट्रांग बॉय, वी डू नॉट कंपेयर हिम विद एनी अदर बॉय. वी सिंपली से दैट अंश इज अ स्ट्रांग. जब हम ये बोल रहे हैं कि अंश इज अ स्ट्रांग बॉय, तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं. हम बस सिंपल क्या बोल रहे हैं कि अंश स्ट्रांग है. एंड व्हेन वी से वंश इज स्ट्रांगर देन अंश, वी कंपेयर टू बॉयज Ansh and Vansh and say that one is stronger than other. और जब हम ये बोल रहे हैं कि Vansh जो है वो Ansh से stronger है, तो हम दो boys को compare कर रहे हैं. ठीक है, that is Ansh and Vansh. ठीक है, फिर जब हम बोल रहे हैं कि Rishi is the strongest boy of the three, तो हम तीनों boy को compare कर रहे हैं, तीनों boys को compare कर रहे हैं. और क्या कह रहे हैं कि Rishi जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है. An adjective is used with a noun and pronoun to describe, point out, show position or indicate the quantity or number. Adjective पढ़ा था, adjective क्या होता है? जो noun और pronoun को describe करे या point out करे या कोई position show करे. ठीक है, conclusion क्या निकलता है कि degrees of comparison describe or point out the nouns mention their quality of number. अब degree of comparison क्या बताता है? Degree of comparison बताता है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन है उसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं, उसको उसकी क्वालिटी क्या बता रहे हैं. ठीक है, यहाँ कंपैरिजन की डिग्रीज दी हैं, 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. पॉजिटिव डिग्री क्या बताती है? पॉजिटिव डिग्री किसी भी पर्सन की क्वालिटी बताती है, सिंपल. जैसे यहाँ इसने क्वालिटी बताई थी कि वो स्ट्रांग बॉय है. ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? दो लोगों में कंपैरिजन करती है. ठीक है, एक जन को किसी दूसरे से कंपेयर करती है. और सुपरलेटिव क्या बताती है? कि मतलब उसमें सबसे ज्यादा पावर है. ठीक है, दो से ज्यादा में कंपेयर कर रहे हैं तो वो मतलब सबसे ज्यादा, सुपरलेटिव बताता है. अब क्या ध्यान रखना चाहिए? एडजेक्टिव चेंज देयर फॉर्म टू शो कंपैरिजन. कंपैरिजन बताने के लिए एडजेक्टिव अपना फॉर्म चेंज करते हैं. जैसे स्ट्रांग का स्ट्रांगर हो गया और फिर सुपरलेटिव में स्ट्रांगेस्ट हो गया, है ना. एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दैट टेक्स एन आर्टिकल द बिफोर इट. और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो उसके आगे द लगाया जाता है. जैसे रोहित इज द स्ट्रांगेस्ट, द आ रहा है उसके आगे. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन बताया है कि कैसे कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई गई है. देखो पहले देखते हैं, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपेरेटिव डिग्री बाय एडिंग ER ऐड करके बनाते हैं कंपेरेटिव डिग्री. एंड सुपरलेटिव बनाते हैं EST ऐड करके. कई सारे होते हैं ऐसे, जैसे कि बोल्ड का बोल्डर, बोल्डेस्ट, थिक का थिकर, थिकेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट. देन इफ पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन ई, अगर पॉजिटिव डिग्री ई से एंड हो रही है तो कंपेरेटिव डिग्री इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आर. तो कंपेरेटिव डिग्री में सिर्फ आर एड करके बना देते हैं और सुपरलेटिव में ST. जैसे लास्ट में ई अगर आ रहा है तो फिर सिर्फ आर एड कर देंगे कंपेरेटिव में और सुपरलेटिव में ST एड कर देंगे. फाइन का फाइनर, फाइनेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, श्योर, श्योरर, श्योरेस्ट. अब इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई, अगर वाई से एंड हो रही है कोई पॉजिटिव डिग्री, प्रेसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट वाई इज चेंज इन टू आई. तो जो वाई है वो आई में चेंज हो जाता है ER और ES लगाने के पहले. ठीक है, कंपेरेटिव में अगर ER लगाना है तो वाई की जगह आई आ जाएगा, और EST लगाना है तो उसमें भी वाई की जगह आई आ जाएगा. जैसे मैरी, मैरियर, मैरियस, ये वाई की जगह क्या आ गया?
आई आ गया, यहाँ भी वाई की जगह आई आ गया, ठीक है. हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. देन सम ऑफ द पॉजिटिव डिग्री आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय डबलिंग द लास्ट लेटर एंड एडिंग ईआर एंड ईएसटी रेस्पेक्टिवली. अब किसी को कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनता है, उनका लास्ट वर्ड जो है, लास्ट लेटर जो है, उसको दो बार रिपीट कर देते हैं और फिर ईआर और ईएसटी लगाते हैं. जैसे रेड, रेडर, रेडेस्ट. सैड, सैडर, सैडेस्ट. फैट, फैटर, फैटेस्ट. ठीक है. कुछ अ फ्यू पॉजिटिव डिग्री आर ट्रांसफॉर्म इनटू कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट. कुछ कैसे बनते हैं कि उनमें ईआर और ईएसटी नहीं लगता, उनके आगे मोर या मोस्ट लगा देते हैं. कंपैरेटिव के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट. जैसे फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस. यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल. डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. ठीक है. सम ऑफ द पॉजिटिव डिग्रीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव बाय चेंजिंग द होल वर्ड. कुछ ऐसे चेंज होते हैं कि पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है. जैसे बैड का वर्स, वर्स्ट. मतलब बैड मतलब खराब, वर्स मतलब जब कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों में, वर्स इट इज वर्स देन दिस, वर्स्ट मतलब बिल्कुल ही खराब. गुड, बेटर, बेस्ट. मच, मोर, मोस्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. ये क्या है, ये सारे कंपैरेटिव डिग्रीज हैं. तो आप सब, आपको मेन का फोकस करना है ये जो फॉर्मेशन पे, कि किस तरीके से ये फॉर्म होती हैं. तो आप सभी को ये टेबल्स को अच्छे से पढ़ना है और इनको पढ़ के फिर आपको ये एक्सरसाइज जो है मैंने फिल करके दी है, तो आप ये फी फिल करिएगा. और यहाँ पे ये लास्ट जो एक्सरसाइज है, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग एडजेक्टिव. यहाँ पे ये एडजेक्टिव दिए हैं, तो इनको आपको यूज करके सेंटेंसेस बनाना है. ये आपका होमवर्क है कि आप खुद ही इन सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे, और बाकी सारा मैंने फिल किया हुआ है, तो आपको ये कंप्लीट करना है. थैंक यू एवरीवन.